नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज फाइनली मोटोरोला ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन मोटो वन एक्शन लॉन्च कर दिया है। अब तक कंपनी मोटो वन विजन और मोटो वन पावर इंडिया में लेके आई थी, मोटो वन एक्शन भी आ गया है। यहां पे आपको एक टिप दे देता हूं कि मोटो वन जूम भी बहुत जल्द आने वाला है, पर फिलहाल इंडिया में कब आएगा अभी वो कन्फर्मेशन नहीं है। पर एनीवे उन सब के बारे में बात बात करेंगे और आज देखते हैं मोटो वन एक्शन का अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन। तो चलिए बिना किसी देर के इसका बॉक्स कंटेंट देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन पर नजर डालेंगे। तो बॉक्स को खोल के देखते हैं कि क्या मिलता है इस बॉक्स में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दिया है और ये रहा सारा बॉक्स कंटेंट। जब आप इस फोन को खरीदेंगे तो ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि यूजर मैनुअल है और वारंटी कार्ड है। 10 वॉट का आपको चार्जर मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर ये स्मार्टफोन मिल जाता है। मोटो वन एक्शन इसका नाम है। तो चलिए देखते हैं कि ऑन होने में कितनी देर लगाता है, उसके बाद मैं आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाऊंगा। पर तब तक आपको बता दूं कि फोन के स्पेक्स काफी डिसेंट है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। हालांकि फोन कैसा है और कैसा परफॉर्म करेगा वो मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा, ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है, इसलिए सिर्फ स्पेक्स की नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फोन ऑन हो चुका है और आप फर्स्ट इंप्रेशन पर नजर डाल लेते हैं। अब बात की जाए इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जिस पर आपको पंच होल मिल जाता है। पंच होल आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम है जो कि मोटो वन विजन में दिया गया था। ऑलमोस्ट डिजाइन भी आपको सिमिलर मिल जाएगा, उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन आप देख सकते हैं कि मोटो वन विजन जैसी ही लग रही है, कुछ नयापन इसके अंदर नहीं है। पंच होल भी काफी ब्रॉड है, काफी बड़ा है दूसरे फोन के कंपेरिजन में। और पर अदरवाइज डिस्प्ले आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है डिस्प्ले की, टच रिस्पॉन्स भी जरूर पसंद आएगा। और इसके साथ साथ अगर हम अब इसकी लुक्स की बात करें तो कवर निकाल देता हूँ। एक्चुअली में कवर जो है वो आपको इसके साथ ही मिलता है, जो कि मैं आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताना भूल गया। तो अब हम अगर डिजाइन की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसमें मोटो का लोगो भी दिया गया है। नीचे की तरफ है टाइप सी पोर्ट, यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और एक माइक दिया गया है। राइट साइड पे पावर बटन, वॉल्यूम लॉकर की है। ऊपर की तरफ है 3.5 मॉडी जैक और लेफ्ट साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है। तो ओवरऑल लुक्स जो है वो एग्जैक्टली मोटो वन विजन या फिर मोटो वन पावर जैसी ही लगती है, कुछ फर्क नहीं है मोटो वन विजन और मोटो वन एक्शन में, एग्जैक्टली सेम है। स्पेक्स अगर देखें तो वो भी काफी हद तक मोटो वन विजन जैसे ही है। इस फोन में आपको मिलता है एक्सिनॉस 9609 चिपसेट, सैमसंग का चिपसेट है ये, जो कि कंपनी ने इसमें इस्तेमाल किया है। और जो हमारे पास यूनिट आया है इसमें आपको 4GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि 128GB दी गई है और अबाउट में जाके रैम चेक कर लेते हैं। हालांकि ये नियर स्टॉक एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड वन की इंटीग्रेशन है, प्योर स्टॉक एंड्रॉयड है, 2 साल तक एंड्रॉयड के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रैम का ऑप्शन मिलता है कि नहीं, रैम का ऑप्शन नहीं मिलता, पर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड पाई दिया गया है और स्टॉक एंड्रॉयड है। और मेमोरी ऑप्शन जो है एक्सपैंड का कैसा है वो देख लेते हैं। तो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, या तो आप अपने सेकेंडरी सिम कार्ड को डालें या फिर आप मेमोरी कार्ड को इसमें लगाएं। एक चीज़ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर आपको बता दूं कि स्टोरेज 128 है तो आपको कमी नहीं लगेगी यहाँ पर। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलते हैं बैक पॉइंट पर 3 रियर कैमरास, 12+5 मेगापिक्सल के 2 कैमराज हैं और एक सेंसर जो है वो एक्शन कैमरा है। आपको बता दूं कि कंपनी ने उसको 117 डिग्री वाइड एंगल एक्शन कैमरा बताया है। उसका यूसेज बताता हूं आपको, पर कैमरा ओपन करके आपको ये दिखा दूं कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से कैसा परफॉर्म करता है। F1.8 अपर्चर के साथ आता है जो 12 मेगापिक्सल सेंसर है, जो 5 मेगापिक्सल सेंसर है वो डेप्थ सेंसिंग के काम आता है, और जो इसका एक्शन कैमरा है उसका यूसेज यहाँ पे आएगा। जैसे ही आप वीडियोस को ऑन करेंगे तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे, बेसिकली वीडियोस के लिए ये बनाया गया है। अभी मैंने एक्शन कैमरा ऑफ कर दिया और यहाँ से एक्शन कैमरा ऑन कर दिया है। तो इसका यूज़ क्या है, अगर आपने देखा होगा GoPro या कोई एक्शन कैमरा देखा होगा तो जब आप उसको यूज़ करते हैं तो प्रॉपर आपको लैंडस्केप में शूटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो इस फोन में यही फायदा है कि आप एक हाथ से आसानी से शूट कर सकते हैं। कैमरा काफ़ी स्टेबल है, आप देख सकते हैं कि आपको इमेज में काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही होगी। EIS है, हालांकि इसमें OIS नहीं दिया, पर फिर भी काफ़ी स्टेबिलिटी है इसमें, जो कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आपको इसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा मैं इसके रिव्यू के टाइम पे। और जो ये एक्शन कैमरा है सिर्फ वीडियोस के काम आएगा। फायदा ये है कि एक हाथ से आप वीडियोस बना पाएंगे, अदरवाइज क्या होता है जब हम ऐसे शूट करते हैं लैंडस्केप में तो
हम ठीक से पकड़ नहीं पाते, या तो ऐसे पकड़ते हैं या ऐसे पकड़ते हैं या ऐसे पकड़ते हैं। तो एक हाथ से यूज़ कर पाएँ आप इसको अपने आप, इनफैक्ट इसको अपने कैमरा माउंट जो साइकिल्स या बाइक पर लगा के या कार पर लगा के या हेलमेट पर लगा के इसे यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे में ज़्यादा आसानी रहेगी और आप इसको शूट भी कर पाएंगे। यही वजह इसका नाम मोटो वन एक्शन दिया गया है, जो कि यू नो ट्रैकिंग व्रैकिंग या फिर ऐसे जो सिनारियोज होते हैं आप घूमने जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में काफ़ी काम आता है। इसके अलावा इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 10 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करती है। 10 वाट में आपको ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूँ। तो देख सकते हैं कि फ़ोन है वो पूरी तरह से पावर पैक्ड है। तो फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी पसंद आएगा, 12 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा। और आप इसमें फ्रंट कैमरा से फुल एचडी वीडियोस के साथ साथ 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। और इनफैक्ट जब फ्रंट कैमरा से 4K शूट कर पाएंगे तो बैक पैनल से भी 4K शूट कर पाएंगे। ओवरऑल पूरी तरह से पावर पैक्ड स्मार्टफोन है, देखने में भी काफ़ी अच्छा है और आपको जरूर पसंद आएगा। पर आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।